हम लोग जा रहे हैं इस वक्त अयान की ट्रेनिंग के लिए, मतलब सूरज भी निकल गया है, फ्लरीज भी हो रही हैं। और एक लोड ऐसे ही हमने जो है ऑस्ट्रेलिया में अपना टाइम जाया नहीं किया। साथ को कुछ लैपटॉप वगैरह खरीदना था। हाँ बात ये इंसान एक दफा लेता है। मैं लुकिंग फॉरवर्ड, वी आर सो एक्साइटेड यार। मतलब पाकिस्तानी कल्चर कूट कूट के भरा हुआ है कनाडा के अंदर। एक ये भी है जो नए नए मतलब शारजा से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे। फ्लरीज हो रही हैं। हम लोग जा रहे हैं इस वक्त अयान की ट्रेनिंग के लिए, मतलब ट्रेनिंग नहीं, मैच के लिए, फुटबॉल के। और सना घर पर ही है बिकॉज ऑफ द तबीयत और लिमिटेड मूवमेंट की वजह से। और दो तीन आज काम जबरदस्त से निपटाना है तो वो भी निपटाएंगे। साथ में कजन आ रहा है, उसको भी पिक करेंगे मिसेस आगर से। चले भाई, फुटबॉल के मैच में जा रहे हैं। मैंने कुछ चीजें सीख ली है, इम्प्रूव हो गया हूँ मैं। प्रे करें मैं निकल जाऊँ इंशाल्लाह। प्रे फॉर अयान। ये देखो अयान सामने खेलने गया था। लेट है यार। आज देखो यहाँ पे कजन को लेने के लिए आया था। ये सामने एयरन स्टेशन है। हाँ भाई आ गए। सलाम अलैकुम। आ जाओ बैठो, रखो सामान। इतनी हवा चल रही है मोबाइल उड़ जाता है। बहुत हवा है। अयान को लेने के लिए हम लोग आ गए हैं। आई थिंक उसका सेशन अब खत्म होने ही वाला होगा। बीच में मैं चला गया था साथ को लेने के लिए बस स्टेशन से। ये आया है अभी हेल्प करने के लिए। तो अब अयान का देखते हैं सेशन खत्म हुआ कि नहीं हुआ और फिर उसको पिक करते हैं और फिर रास्ते में से कुछ खाने को उठाते हैं और फिर चलते हैं घर। हाँ जी, जीते या हारे? वाह, तुमने कितने गोल मारे? एक। गुड गुड जॉब। अल्लाह की शान, देखो सूरज भी निकल गया है, फ्लरीज भी हो रही हैं और हवा भी चल रही है। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त मौसम हो रहा है। क्यों भैया अयान साहब? लड़की क्या बुला रही थी तुम्हें अभी? क्या बोल रही थी लड़की? मुझे लगा कह रही आर यू डम। तुम्हारी हट गई तुमने बोले। अश्वर भाई की अंग्रेजी अच्छी है, वो समझ गया, उन्हें टाइम लगा सब। एक लोड ऐसे ही हमने जो है ऑस्ट्रेलिया में अपना टाइम जाया नहीं किया। समझ में आ जाती है, फॉरेन फॉरेन की स्लीप पावर बड़ी तेज है। हाँ भाई आ गया पिज्जा। A few moments later. So, हम लोग आए हैं इस वक्त ओकविल प्लेस में फर्स्ट टाइम और साथ को कुछ लैपटॉप वगैरह खरीदना था तो इसने बोला कि यार थोड़ी ये मुझे वहाँ पे ले चले तो वहाँ से हम लोग लैपटॉप वगैरह ले लेंगे। कौन सा लैपटॉप लेना है भाई तुम्हें? एप्पल का लेना है, किसका लेना है? MSI का लेना है। क्या करोगे उसमें? नहीं, उसमें मैं इंटरनेट चलाऊंगा। ओके, इंटरनेट चलाओगे, फेसबुक वगैरह, ये वो, इंस्टाग्राम, गेम वगैरह करेंगे यार। हाँ, गेमिंग वेमिंग खेलोगे? गेमिंग में पैसा बनाओगे? पैसा नहीं, सिर्फ एंजॉय करेंगे। अच्छा, एंजॉय करने के लिए पैसा बहुत है। कोशिश कर रहे हैं लोग देखने की कि भाई कहाँ पे शॉप। इधर ही है, साथ ही है, करीब ही हम लोग, मतलब नीचे से ही जाना है हमें। लेवल वन पे ही है, सही है हम लोग। अच्छा बना हुआ है ओकविल का मॉल, अगर देख रहे हैं तो। तो ओकविल के मॉल में मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, अब तक सना को भी नहीं लेकर आया था तो साथ की वजह से आ गए। ये है कि हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है तो एरन मिल जैसे हम लोग जाते रहते हैं, बट नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह सना के साथ आऊँगा, ये ट्राई करेंगे। मॉल बहुत अच्छा लग रहा है, वाइब्स भी अच्छी आ रही है, बहुत मल्टी कल्चरल है। हाँ जी, क्या है ये? पासवर्ड डाल दो इसका, ABCD123। अच्छे अच्छे आईपैड है यार, ये मिनी है, ये कितने का है? 419599। छोड़ो छोड़ो। हाँ भाई मुबारक हो, कितने का मिला ये? मुझे वैसे प्राइस थी $600 की। ओके, यानी क्या ये मुझे $679। ओके, और क्या है इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है? तो MSI का है ये ब्लैक, तो इसके ऊपर सारी वीडियो वगैरह एडिट वगैरह ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अनबॉक्सिंग करेंगे। चलो ठीक है, आ जाओ। तो हम लोगों ने लैपटॉप ले लिया है, 5 मिनट का ही गेम था साथ में ऑनलाइन। यहाँ पे ये फायदा होता है कि बाहर के मुल्कों में रहने का, फटाफट ऑनलाइन चेक कर लेते, ऑनलाइन आपने स्टोर से भी बात कर लेते, मतलब
फोन पे पूछ रहे थे कि हाँ भाई आपके पास वो आइटम अवेलेबल है या नहीं है, वो सब कुछ हो गया। उसके बाद फिर ये होता है टीका, थोड़ा सा एक अलग सा लगता है कनाडा के अंदर आपको थोड़ा बहुत, कि जो प्राइस लिखी हुई होती है वो प्राइस होती है, बट उसके ऑन टॉप ऑफ 13% एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं। वो ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे ही होता है, दुनिया में हर जगह ऐसे ही होता है, बट वहाँ पे इंक्लूडेड टैक्स होता है और यहाँ पे एक्सक्लूडेड टैक्स होता है। तो ये एक चक्कर होता है छोटा सा, और ये प्रोविंस टू प्रोविंस वेरी करता है। अगर आप लोग शायद नए हो या फिर कनाडा में नहीं रहते हो तो ये प्रोविंस टू प्रोविंस होता है, मतलब ओंटेरियो के अंदर 13% है, अल्बर्टा वगैरह कैलगरी के अंदर ये चीज 5% होती है। सो छोटा मोटा ये चीज है, और ये तो वन टाइम चीज होती है, इसलिए कौन सी हर रोज खरीदनी है या हर हफ्ते खरीदनी है या हर महीने में खरीदनी है। तो ये चीज ऐसी होती है कि जबरदस्त सालों तक चलती है, सो इज नॉट अ बिग डील, इट्स वर्थ इट। हाँ, बात ये इंसान एक दफा लेता है, मैं अच्छी चीज लेना बंदा एक ही दफा में, है ना भाई। कभी MSI चूज नहीं किया था तो, लेकिन ये एक अच्छी कंपनी है, तो एक्सपीरियंस होपफुली अच्छा ही रहेगा। अच्छा ही रहेगा भाई, सबसे तारीफ सुनिए, मतलब बड़े बड़े व्लॉगर्स के पास, गेमर्स के पास यही लैपटॉप होता है। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से फाइनली घर, क्योंकि मुझे तैयार होना है। आज जुनूनी कैफी अच्छी चढ़ी हुई है, क्योंकि आज जुनून का कॉन्सर्ट है। सना नहीं जा सकती, मुझे अकेले ही जाना होगा, ऑब्वियसली उसकी ऐसी हालत नहीं है। अली अजमत, सलमान अहमद और ब्राइन आ रहे हैं, भाई जबरदस्त मजा आ गया। 20 मिनट्स लेटर। ये देखो भाई, जो पिज्जा ले लिया था हमने, ये है बीफ पिज्जा, मतलब क्या कहलाता भाई, ये बिहारी चस्का, ये बिहारी चस्का है। ये गार्लिक ब्रेड हमने ले लिया खुद से, और यहाँ पे सना गार्लिक ब्रेड बना रही है, साथ में जो है वो चाय शाय भी बना रही है। आई थिंक पिज्जा गर्म हो गया होगा, वो कौन सा वाला है, ये वो चिकन टिक्का, चिकन टिक्का मिर्ची सागा। आयान साहब ने तो शुरू भी कर दिया, ओहो मजे का लग रहा है बहुत, माशाल्लाह। शाम की चाय के साथ जो आप तो जा रहे हैं मजे करने के लिए, चलो हमें भी थोड़ी-थोड़ी मजे करा दिए ना तुम्हें, हमने तो कॉन्सर्ट देखने जा रहे हैं, तुम लोगों को तो खिला पिला भी दिया। आज मुझे खाना नहीं बनाना, खाने की छुट्टी हो गई है। और क्या क्या बच्चे की जान लोगी। रायता ही है वो, गार्लिक वगैरह इसको क्या है, रायता है यार। Okay. गार्लिक ये साथ, वो यही देते हैं बस, अच्छा है जो भी अच्छा है। मजा आया बेटा, कपड़े तो चेंज कर लेते, ऐसे ही खाने शुरू कर दिया, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम किया, गुड गुड शाबाश। थोड़े थोड़े दिनों की बात है भाई ये, इसके बाद तो फिर आपका रमजान शुरू हो जाएगा, फिर ये सब खत्म कहानी इसी हफ्ते इंशाल्लाह। भाई लुकिंग फॉरवर्ड, वी आर सो एक्साइटेड यार, मतलब मेरे तो मुझे नहीं पता रोजे में पाऊंगी या नहीं, मगर अशर का इंशाल्लाह ताला, अल्लाह वी आर सो एक्साइटेड फॉर रमजान। माशाल्लाह शैतान बंद हो जाता है, दरवाजे बंद हो जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है शैतान के, तो बस एंजॉय करेंगे रमजान। चाय देखो पक रही है यहां पे जबरदस्ती। थैंक यू सो मच ड्यूड, बड़ा ही मजे का पिज्जा लेकर आए हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। ये देखो गाइस, ड्यूड तैयार हो रहे हैं, हीरो बन रहे हैं, हीरो हो, अकेले अकेले बैचलर पार्टी पे जा रहे हैं। खुद ही आज जाए वो अपने आप को ट्रीट देने के लिए जाओ, ये है कि सॉरी सना तुम्हें, अरे सॉरी नहीं करें आप, डिजर्व करते हैं, डिजर्व, यू डिजर्व इट। काफी अरसे से मैं इस चीज का मतलब इंतजार कर रहा था कि यार जुनून का कॉन्सर्ट होगा, क्योंकि 80s 90s वाले जो लड़के होंगे वो रिलेट कर सकते होंगे, हमारा एक अलग ही मतलब जुनून के साथ एक अलग ही जुनूनियत थी, तो इस वक्त जो कैफियत है वो जुनूनियत हो रही है, समझ जाओ। और यार ये कनाडा है दोस्त, यहाँ पे मतलब क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती है, एंटरटेनमेंट की, रिलीजियस एक्टिविटीज, हर तरह की आप एक्टिविटीज जो आप करना चाहो आराम से कर सकते हो, यहाँ पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पाकिस्तानी कल्चर कूट कूट के भरा हुआ है कनाडा के अंदर, वाकई में पाकिस्तान में सिर्फ मतलब रिश्तेदारों का एक अलग वो है, पाकिस्तान की एक अलग ही बात है, बट कनाडा भी भाई कोई कम नहीं है। 5 minutes later. देखो जी मैं पहुंच गया हूँ, ये है ब्रैम्पटन के अंदर CAA सेंटर, और रश देखो हो रहा है थोड़ा बहुत, इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। देखो यार कितना रश हो रहा है यहाँ पे, कितनी पब्लिक है, सारे पाकिस्तानी है मोस्टली। ये देखो भाई जुनून का कॉन्सेप्ट है, ये सामने जो है वो आप देख रहे हो, ये स्टेज बना हुआ है, अब यहाँ पे आएंगे सलमान अहमद, अली अजमत वगैरह, तो फिर मैं जैसे ही आते हैं तो फिर आप लोग को थोड़ा सा दिखाता हूँ। और ये है कुछ अंदर का ब्रैम्पटन CAA सेंटर जो है, इस टाइप का दिखता है, अच्छी कैपेसिटी है, बहुत बड़ा स्टेडियम टाइप नहीं है हाँ, बट ये कि अच्छा है, नॉट टू बैड। और बंद है ये, तो कोई टेंशन नहीं होती आपको, मतलब अंडर कवर है सो आपको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि बाहर गर्मी है सर्दी है क्या है क्या नहीं है, तो आप आराम से जो है वो अंदर इंजॉय कर सकते हैं। The legendary band, you know, it's a round of applause for them, of course. Thank you so much.
Assalamualaikum Toronto. I am so grateful. I am so grateful for this amazing. फिर से जगाना शुरू. ओ भाई इनको भी थोड़ा दो भाई इंजेक्शन लगाओ माटका शाटका के. आलू गोश्त खा के आए हैं घर से. प्लीज वेक अप गाइस. यू गाइस सो डिफिकल्ट सिंगिंग इन फ्रंट ऑफ लाइक अभी. इतने सारे लोग मिले हैं उनमें से एक ये भी हैं जो नए नए मतलब शारजा से आए हैं यहाँ पे हमारे चैनल को फॉलो करते हैं. क्या नाम है आपका? शाकिर. शाकिर थैंक यू सो मच. वेलकम. मैं आपको हमेशा से फॉलो करता आ रहा हूँ और आई थिंक सो जब से आप कनाडा मूव हुए तब से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ और काफ़ी हमारी सिमिलर स्टोरी थी. तो अब आपको पता है आज के टाइम में तो ड्रामे वगैरह तो आप कोई देखता नहीं है. सोनी टेलीविजन अब जो भी है यूट्यूब पे होता है. तो जहाँ फारिग बैठा होता हूँ वहाँ यूट्यूब खोल लिया और अशर भाई और जो सना भाभी बस उनकी वीडियोस देखते रहते हैं. और क्योंकि
वी बिलोंग फ्रॉम द सेम सिटी, तो काफी सिमिलैरिटीज है, तो बहुत अच्छा लगता है. वेरी वेरी एंटरटेनिंग. थैंक यू सो मच. तो कॉन्सर्ट हम लोगों ने देखा यार, इतना मजा आया, मतलब वाकई में वर्थ इट था. जुनून के ऊपर $50 तो मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं है. जो अली अजमत, सलमान अहमद और ब्राइन की बात है, मतलब जो 90s 80s के लड़के हैं वही जो है वो उसे रिलेट कर सकते हैं. जो उसके बाद 2000 वो उनको पता नहीं है, उनको भी पता नहीं है. एक तो बच्चे भी थे जिनको मैंने पूछा तुम जुनून जानते, बोलते नहीं हमें तो नहीं पता जुनून क्या है. तो मैं परेशान हूं, तफरी तफरी चलने आ कभी भी नहीं भूल सकते वाकई में. मतलब जज्बा जुनून के जी जो एक सॉन्ग है वो वाकई में ना भूलने वाली चीज है. वो कहते हैं ना कि भाई अपनी पहचान कभी ना भूलो. तो हमारी पहली पहचान जो थी वो पाकिस्तान थी और आज भी है, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी आर इन गुड इन कनाडा. तो अल्हम्दुलिल्लाह, बट पहली हमारी पहचान हमेशा पाकिस्तान थी और आज भी है और हमेशा रहेगी. थैंक यू सो मच आपका टाइम देने का और ट्रीट देने का. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर वो हमारी तरफ से होगी. और क्या है ये कश्मीरी चाय है, और अगर कोई भी ठंडर पे आए प्लीज मुझे कॉल करना.